बड़ी मैम, I'm sorry. आपने सही कहा था कि वकालत और दिल के रिश्तों में फर्क होता है, और मैंने एक गलती कर दी कि मैं उन दोनों को एक समझ बैठा. लेकिन सबसे बड़ी गलती मुझसे ये होगी कि मैंने आपका दिल दुखा दिया. लेकिन बड़ी मां, प्लीज मुझे गलत मत समझिए, मैं आपको माया की सच्चाई बताना चाहता था, बस मौका नहीं ढूंढ पाया. और फिर तुमने तय कर लिया कि तुम हमें कुछ नहीं बताओगे. सुनिए जी, मानवी को कुछ पता चला? बीजी, रिसेप्शन वाले कह रहे हैं कि मानवी नाम का कोई पेशेंट पिछले 24 घंटे में यहाँ पे भर्ती हुआ ही नहीं है. हाय रब्बा, ये मेरी बच्ची के साथ क्या अनर्थ हो रहा है. रोना बंद कर. बीजी क्या करो, आंसू बह जाते हैं. अरे डब्बू, कुछ पता चला? डॉक्टर मंदन, डॉक्टर मंदन, मानवी आई थी या विराट के साथ? नहीं बीजी, मैंने हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स चेक किए हैं, ना तो मानवी यहाँ पे आई और ना ही विराट. मुझे लगता है किसी और हॉस्पिटल में गए होंगे वो. मुझे एक बात नहीं समझ आती बीजी, आपने मानवी को बाहर जाने क्यों दिया? उसे 24 घंटे आराम करना चाहिए, ना कि घूमना चाहिए. आप बड़े हैं, आपको समझना चाहिए. छोड़ो विराट, क्या अड़ियल पंथी बंद करो विराट, मुझे छोड़ो नीचे. सब्जी की टोकरी समझ के रखा है विराट. मुझे पता तुम्हारे अंदर बहुत दम है. देखो, तुमने अभी मुझे नीचे नहीं उतारा ना, मैं कूद जाऊंगी यहाँ से. 3, 2, 1. अब समझ में आया क्यों नहीं उतार रहा था मैं. बढ़िया ही मुझे सिखाने. मैडम जी, महाराज जी खाना लगा रहे हैं और आपको बुला रहे हैं. साहब को बता दो कि खाना तैयार है. मुझे खाना नहीं खाना. चिवे के भाभी कुछ ज्यादा ही फिक्र कर लेती हैं, तो उनको भी नहीं बताना चाहिए, राइट? बिल्कुल ठीक है रे बेटा, इसीलिए तो हम भी उसे बताना नहीं चाहते. तुम तो जानते हो ना, अगर मानवी को छोटी भी खरोश आ जाती है तो जीविका रात भर सोती नहीं है. खाने का वक्त हो गया है तो मैं ना जाके खाना परोस देती हूँ, ठीक है? आप लोग आ जाना. हाँ बेटा, हाँ हाँ. दीदी, मैं ना आपके लिए जलेबिया लाया हूँ. अब विराट भैया सॉरी, मैं आपके लिए नहीं ला पाया क्योंकि मुझे पता नहीं था ना आप आओगे. आप एक काम करो ना, अब मानवी दी के साथ शेयर कर लो, ठीक है? अरे डब्बू, बिन बुलाए मेहमान और तूफान बता के थोड़ी ना आते हैं. बरसाती मेंढक की तरह टपक पड़ते हैं, टर टर करते हुए. चुप, बदतमीज गई की. आज अगर विराट नहीं होता तो ना जाने क्या हो जाता. साहब से कह दो कि अगर वो अभी नहीं खाएंगे तो उन्हें रात को भूख लगेगी. साहब कह देना एक बार, मुझे खाना नहीं खाना, मुझे भूख नहीं लग रही. मानवी, यहां से हिलना मत, यहीं लेटे रहना. चल. ये पार्टनर, एक बात बताओ, ये तुम्हारे घर वाले ऐसे भयंकर तरीके से रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? मतलब जैसे कि तुम्हें कुछ हो गया, समथिंग लाइक कोई बहुत बड़ी बीमारी.